मैं सच्ची बोलती है, आपको देखकर ना मेरे बचपन का हसन पूरा हो गया था, सॉरी सपन पूरा हो गया सर मेरा। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कप्पू। एक तरफ विक्रम जी बैठे हैं, एक तरफ बेताल जी बैठी हुई है। वाह सर, शीज बेताल सर, डोंट गो दैट साइड, आप उधर जाएंगे ना सब पीठ पे बैठ जाएंगे ऐसे करके। सपना, ये क्या बन के घूम रही तुम? मैं सर के लिए साउथ इंडियन बन के आई ना। ओ अच्छा, कैसी लग रही सर? मैं बहुत खराब इपड़े। चलो हम लोग इनको इतना बोलते हैं, एक तो चलता है इनका। आज 3 साल में पहला जोक मारा है अर्चना जी ने, जोरदार तालियां। क्या बात है अर्चना जी, बहुत अच्छा लगा। सर मैं स्पेशल आपके लिए बनकर आई सर। बहुत अच्छा, इपड़े रुकेंगे सर। अठो स्पीकिंग इन तमिल। நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன். சாப்பாடு கொடுங்க சார். After 3-4 o'clock. हो गया। तुम अपनी खत्म करो जल्दी, फिर लंच करना है। मैं ना सर आज सुबह ना ऐसा नाश्ता करने के लिए बैठी ना मैं उधर, तो डोसा ऐसा प्लेट से बाहर था, इतना इतना लंबा डोसा सर। हवा आई ना डोसा ऐसा हुआ। वो तो शुक्र है बीच में आलू था, वरना वो टेक ऑफ कर जाता ऐसा। मैं सच्ची बोलती, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। हाँ। अरे वाह, मैंने जब पहली बार कमल हसन जी को देखा था ना। हाँ। इतने से थे ये। अरे क्या, क्या बोल रही है तू? अप्पू राजा में देखा था ना मैंने। अच्छा। सर अच्छा। हाँ। So I thought for a moment I'll take you on. नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम मैं वो पिक्चर देखी थी ना छोटे में। जी जी। हाँ, उसमें सर आप सर्कस में काम करते थे ना। जी। हाँ, मेरे जो ताया जी थे वो भी सर्कस में काम करते थे सर। वो पता है क्या करते थे सर? ऐसा सांप है ना, मुंह में डालते थे और ऐसा नाक से बाहर निकालते थे। हट। एक दिन सांप बाहर निकला ही नहीं। फिर क्या, ताया जी निकल लिए। इस खेल में ना सर एक ना एक को तो निकलना ही पड़ता है। ऐसा रहता है। अच्छा सर, वो अभय पिक्चर में आपका वो जुड़वा भाई थे ना आप? जी। जुड़वा भाई। हाँ। जी। आपको पता है मेरे जो पापा है ना और मेरे जो चाचा है वो दोनों जुड़वा भाई थे, सेम दिखते थे सर। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई कप्पू। क्या पता है क्या हुआ? मेरी मम्मी की जो शादी मेरे पापा से होने वाली थी, लेकिन वो कंफ्यूजन में मेरे चाचा से हो गई। फिर अभी जो मेरे चाचा है वो मेरे पापा है। और पता है सर, मेरी जो चाची है वो मेरी मम्मी है। और कमाल की बात ये है कि मैं खुद ही की कजिन सिस्टर हूँ। सपना, हो गई तेरी फालतू बातें? नहीं नहीं, फालतू बातें तो दबा के रखी है मैंने आज। मैं सच्ची बोलती है सर, आप जैसे जो हीरो रहते हैं ना वो सर्दियों में एक ही बार पैदा होते हैं। अबे सदियों में एक बार होता है। नहीं नहीं, वो तो सर्दियों में पैदा, नवंबर के महीने में ना। हाँ अच्छा। मैंने कहाँ गलत बोला। सर्दियों में एक ही बार होते हैं। हमारी जो अर्चना जी हैं, अर्चना जी आपका पैदा सितंबर में ना। हाँ। इनकी कन्या राशि है। कन्या राशि, लेकिन काम इनके बिच्छू राशि वाले। कन्या नहीं है, तुला है। और दिमाग में सर इनके है धन राशि। शी वेरी मनी माइंडेड सर। सपना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी फालतू बातें सुनने में। अच्छा सॉरी अर्चना जी, अब मैं आपकी बात नहीं कर पाऊंगी। सर आपका बात करते हैं, मैं तो इतनी फैन हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं चलेगा, गिरने दो सर आज सब कुछ। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मैं आपका सब पिक्चर देख ली एक दूजे के लिए। क्या बात है, हम सब ने देखी। मैं तो क्या, मेरा मुर्गा भी आपका बहुत बड़ा फैन है। मुर्गा रहते ना मुर्गा। हा? वो रोज बैठ के आपका पिक्चर देखता है एक दूजे के लिए। अच्छा? और रोज सुबह उठ के अपनी मुर्गी को बोलता है, हम बने तुम बने एक चूजे के लिए। ऐसा करके बोलता है। खैर सर, आप इतने बड़े एक्टर हैं, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपकी जो डॉटर है श्रुति हसन जी, अरे वो भी कमाल की एक्ट्रेस है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वो भी क्या काम करते हैं सर। श्रुति हसन जी का जवाब नहीं, वैसे उनका कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन उनका कोई जवाब भी नहीं है। आपको मालूम है जब वो आई थी इधर,
ये वाला जोक मैंने उनको सुनाया था। अच्छा। बहुत जोर जोर से हंसी थी। हाँ, मैंने जो ये वाला जोक आपको जानबूझ के सुनाया सर। अच्छा। ये जोक ना मैंने हसन परिवार के लिए रखा हुआ है। अच्छा। सपना वाह, जैसे तू आज बातें कर रही ना, ये तेरा यूएसए का लास्ट टूर है, समझ। ए, ऐसा मत बोल, फटाफट बोलती हूँ मैं। हाँ तो मैं कहाँ थी। हाँ, हम लोग को खाने पीने का बहुत शौक है सर। अर्चना जी जो, इनको भी खाने पीने का बहुत शौक है। ये तो इडली विडली ले आती ना तू। नहीं, खाने मेरे को तो बहुत साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। अर्चना जी को खास करके सर मेदू वड़ा बहुत अच्छा लगता है। कल तो और कमाल हो गया। क्या? दो मेदू वड़ा कुत्ता खा गया। ये फिर भी नहीं मानी। हाँ। बोलती है मेरे पास दोड़ी गाड़ी है। खैर मैंने ना, मैं आप लोग ना साउथ में बहुत अच्छा काम करते हैं सर। साउथ का पिक्चर मैं बहुत देखती हूँ। हाँ, पुष्पा पिक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, पुष्पा। लेकिन उसकी वजह से ना मेरा शादी टूट गया सर। हाँ, क्यों? वो मैं ना ऐसे एक मंडप पे खड़ी थी, मेरे डैडी मेरे को बोला सास ससुर के पाँव छुओ। मैंने बोला नहीं सपना, झुके कि नहीं साल, ऐसा करके बोला। ऐसा किया मैंने। लेकिन अभी सर साउथ का जो पिक्चर रहता है ना, वो अभी इतना हजार करोड़ दो दो हजार करोड़ कमा रहा है, तो हॉलीवुड वाले अब साउथ का कॉपी कर रहे हैं। अच्छा? हाँ, अभी जो स्पाइडरमैन आ रही है ना सर, उसमें स्पाइडरमैन भी बोल रहा है मैं जाला फेंकेगा नहीं साला। खैर मैं चाहती हूँ सर मैं साउथ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ सर। और ये गई भी थी सर। हाँ, किसी डायरेक्टर को मिलके आई और उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि एनिमल का तो हम सब VFX ही करते हैं। वापस आ गई है। नहीं नहीं, मेरे को सीरियसली वहाँ काम मिला था। मेरा काम क्यों खराब कर रहा है तू? मेरे को बात करने दे सर। आप प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मेरे को लो ना। मैं तो साउथ इंडियन भाषा भी बोल लेती हूँ। तुहाडी फिल्म विच असी बढ़िया काम करांगे सर। ये तो पंजाबी है। पंजाबी तो कोई बात नहीं, आप साउथ में डब कर देना ना सर इसको। अभी आपका साउथ का पिक्चर भी उधर पंजाब में हम लोग डब करते हैं ना सर। सर अगर आप मुझे पिक्चर मिलेंगे ना, मैं आपको अलग अलग टाइप का, मेरा मसाज पार्लर है सर, हम लोग मसाज करते हैं। आपका उधर जैसे चेन्नई में टी नगर है ना जी। हाँ, हमारे इधर नालासोपारा है, एक जगह है नालासोपारा, उधर मैं मसाज करती हूँ। तो हमारा फिल्मों के हिसाब से मसाज रहता है सर। तो अभी आपके लिए मसाज है, एक दूजे के लिए मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या रहता है, दो फ्रेंड लोग के लिए रहता है। वो लोग आते हैं, फिर हम उनको गाउन पहनाते हैं। गाउन पहना के उनके हाथ में तेल देते और बोलते एक दूसरे का मसाज करो, हम लोग मैच देख रहे हैं। ये कैसी मसाज हुई? ये हुआ ना एक दूजे के लिए। क्योंकि मैं जाऊंगी तो तीजा हो जाएगा ना सर। और एक और मसाज है सर, सदमा मसाज। इसमें क्या? हाँ, सदमा मसाज। इसमें क्या रहता है सर, कस्टमर आता है, बोलता है आपके पास कोई स्पेशल मसाज है मैडम? मैं बोलती है हाँ सदमा मसाज है। बोलता है सदमा मसाज में क्या होता है? मैं बोलती आप अंदर जाएंगे ना तो प्रिया आपकी मसाज करेगी। फिर वो अंदर जाता है और पुरुषोत्तम उसकी मसाज करता है। ये क्या बात हुई? बोला प्रिया और पुरुषोत्तम करेगा, लगा ना सदमा। ये रहता है। ये रहता है सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं चलती हूँ सर। थैंक यू, आप आए, हमारा शो का आपने सौभाग्य बढ़ा दिया। थैंक यू। कमल सर, हमारे पास कुछ आपकी पिक्चर्स हैं, मैं अब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। ऋषि कपूर साहब और कमल सर साथ में। ये सागर के टाइम की होगी सर? या यू ही गाते रहो वो गाने का। गाने, अच्छा। ओके, रिहर्सल शायद। नाइस। अच्छा दास दादा, जो हमारे आप सब जानते हैं, हमारे शो के फोटोग्राफर हैं, मुझे आज ही पता चला सागर फिल्म में जब ऋषि कपूर साहब और कमल हसन साहब, उनकी फोटोग्राफी दास दादा ने की है। और सच ए प्लेजर दास दादा, आप 50 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, देखो आज तक सही नहीं खींची आपने। दास दादा, आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।